where the Rudra Center for Experimental Learning, Creation and Innovation is organizing a workshop on fiber optics communication technology. To give you more information about this, I would like to call Dr. Pankaj Kumar. Welcome all, on the behalf of the Gotes Innovation Cell, myself, Dr. Pankaj Pathania. On behalf of the Gotes Innovation Cell, myself, Dr. Pankaj Pathania, convener, GCIL2. Welcome all of you. Today, we are going to celebrate the National Technology Day. And the theme of this day is fiber optics कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. तो बेसिक एम आप बच्चों को पता है क्यों हम ये सेलिब्रेट करते हैं टेक्नोलॉजी डे? किसी को अच्छे आइडिया है? ये बेसिकली सक्सेसफुल जो हमारा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था पोखरण में 1998 में, उसका सक्सेसफुल टेस्टिंग के लिए जो होती है नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो होता है सेलिब्रेट किया जाता है. तो इसका बेसिक है फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. तो इस पूरा जो हमारा इवेंट है उसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना प्रेजेंटेशन देके और अपने अपने व्यूज जो है वो करंट टेक्नोलॉजीज के बारे में बताएं. और गलगोटिया इनोवेशन सेल हमेशा प्रमोट करता रहा है कि बच्चे आगे आके जो है वो एक आइडियाज लेके आए और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने. सो नाउ व्हाट इज फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? बेसिकली फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स लेटेस्ट ट्रेंड्स. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द लेटेस्ट ट्रेंड्स ऑफ दिस फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. इज इंट्रोडक्शन टू द फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी. व्हाई वी नीड फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी? Need for the optical transmission or HFC system and the latest trends and the future. तो मैं आज आपको एक बताऊंगा कैसे जो है वो हम एक bandwidth और data मतलब signal किस तरह से जो है वो communicate इसके बारे में discuss करते हैं. तो पहले सबसे important है कि why this fiber optics technology are so good now. Why we need and what is the latest trend? So basically invention of laser and optical fiber waveguides and edge toward the making the dream of carrying huge amount of information in a reality. So basically laser का जो development है उसके बाद जो है वो fiber optics communication का development बहुत अच्छे से हो चुकी. laser क्या है, coherent source है और information को जो है वो बिल्कुल उसकी जो quality है उसको maintain करके रखा. ठीक है, फाइन. नाउ द कम्युनिकेशन इज बेसिकली एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द टेलीकम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर अ डिस्टेंस यूजिंग सम टाइप ऑफ इक्विपमेंट एंड इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन मीडियम एंड द रिसीवर. ऑल ऑफ यू नो वेल. नाउ सो जनरली थ्री टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज वॉइस वीडियो एंड डेटा. सो इंफॉर्मेशन इज ऑफन कैरी बाय ईएम कैरियर. तो सब बच्चों को पता है कि हम जो आजकल जो ईएम मींस मेगाहर्ट्ज से सेवरल टेराहर्ट्ज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करते हैं, कैरी करती है इंफॉर्मेशन. फाइन, सो दीज आर द ट्रांसमिशन कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम इज इंफॉर्मेशन सोर्स ट्रांसमीटर मीडियम रिसीवर एज द destination. There is information transmitter at the transmission medium and the receiver. Next. Now the transmission medium. Our main focus is transmission medium. Transmission medium is two type: guided medium and the unguided medium. Guided medium is twisted pair and the coaxial cable wire. These are the conventional medium for the
to communicate the optical signal. Right? So this is the twisted pair and this is coaxial wire. हमेशा आई थिंक मुझे पता है कि शायद आप बच्चे जो डिश टीवी से जो कनेक्शन था वो वायर इस तरह की होती है. फाइन दिस दिस इज द कोएक्सियल केबल वायर एंड दिस इज थर्ड ईयर दिस इज ऑप्टिकल फाइबर. तो दिस इज द गाइडेड मीडियम एंड दिस इज अनगाइडेड मीडियम रेडियो माइक्रोवेव एंड द सेटेलाइट. सो रेडियो वेव बच्चे so twisted pair, why we need this is because twisted pair has a high attenuation 20 dB per kilometer. So 20 dB per kilometer high attenuation or limited bandwidth to the kilohertz to the megahertz attenuation and bandwidth limitation. Attenuation ki kaam kya hota hai, bandwidth kam ho rahi hai, par optical fiber se hum kya achieve kar pate hain. Optical फाइबर से हम CO2 dB पर किलोमीटर एंड 90 टेराहर्ट्ज़ इज 20 dB टू 0.2 dB पर किलोमीटर इज 90 टेराहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी रेंज. ये हम इसको डील करते हैं फास्ट ही ज्यादा फाइन बैंडविड्थ बहुत ज्यादा है टेराहर्ट्ज़ की कंपैरिजन दिस किलोहर्ट्ज़ एंड द मेगाहर्ट्ज़. नेक्स्ट सो फाइबर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी यूजिंग लाइट एज अ प्राइमरी मीडियम टू कैरी द इंफॉर्मेशन. तो लाइट क्यों प्राइमरी मीडियम, क्योंकि फोटोन है उसकी वेलोसिटी कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है या कुछ और पता है. तो यदि फाइबर से हम क्या करते हैं, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू हम करते हैं, लाइट के थ्रू जो है वो सिग्नल को पास करते हैं और इस वजह से सिग्नल जो है वो फास्ट होता है और बैंड विड्थ भी. फाइन understand? Yes. These are the components all of you know. Next. So ये हमारे पास जो principle है that is the total internal reflection and this is the core. So core diameter is basically your micrometer range. Micrometer means your hair diameter. Fine. Next. So this is the basically electron flow and this is photon. So फोटोन ये बच्चे क्या है, लाइट है और ये कन्वेक्शन इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो हो रहा है, क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है. इससे क्या होगा, इससे इंटरफेरेंस ज्यादा होगा एक्सटर्नल जो हमारे पास है उससे क्या होगा इंटरफेरेंस ज्यादा होगा और सिग्नल लॉस होगा. एक कॉपर शेल है इंसुलेटर, दीज आर द बेसिक चैनल्स. आगे चलते अब हम बात करते हैं हाउ ऑप्टिकल ट्रांसमिशन फुल द नेम. तो ये जो है सी इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी दैट इज द शैनन हार्टन थ्योरम. बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसके लिए आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से जो हम इससे जो वो कैपेसिटी को कैलकुलेट करेंगे इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी. तो द टोटल VHF जो रेडियो सिस्टम है उसका 100 मेगाहर्ट्ज कैरियर वेव बच्चों उसके 10 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ है. माइक्रोवेव सिस्टम 10 गीगाहर्ट्ज 1 गीगाहर्ट्ज इसके बैंडविड्थ ऑफ लाइट वेव सिस्टम. ये बच्चों जो फोटो जो विजिबल रेंज है 10 टू 50 हर्ट्ज टू 10 टू 6 गीगाहर्ट्ज तो 25 गीगाहर्ट्ज तक बैंडविड्थ दे रही. फाइन और उसके बाद एक्सेसिव बैंडविड्थ मतलब 1 लाख टाइम्स द अचीव विद द माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी. कम्युनिकेशन सिस्टम विद लाइट एज अ कैरियर अ ग्रेट डील ऑफ अटेंशन. फाइन इसके बाद देन अब ये बच्चों द इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स बैंडविड्थ. ये देखिए यानी इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी सी इज द बैंडविड्थ लो. ये क्या नॉइस रेशियो इस शैनन हार्टन थ्योरम में कितनी इंफॉर्मेशन कैरी हो सकती है वो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. फाइन एज इट एक्ट एज एन मतलब जब 0 डीबी का लॉस होगा 0 डीबी मतलब 10 टाइम सिग्नल पावर इज नॉइज पावर द कैपेसिटी इन बिट्स पर सेकंड इक्वल टू द बैंडविड्थ इन द हर्ट्ज. अब ये ध्यान दीजिए यहां से देखिए सिग्नल यदि हमारे पास 20 डीबी का लॉस होगा ये कैलकुलेट करिए जरा 20 डीबी का यदि लॉस है
तुम कैसे कैलकुलेट सी दैट्स अ 4000 किलोहर्ट्ज बैंडविड्थ है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे 4000 log 1 + 100 कैसे हुआ, ये लीनियर से लॉगरिथमिक स्केल में कन्वर्ट किया है, ये तो ये जो डीबी है वो है लॉगरिथमिक स्केल, तो लीनियर और लॉग में अंतर ये है, तो यहां देखिए 10 टू बेस पावर डीबी बाय 10 डीबी भी आपको लिखना है 20, तो 20 बाय 10 कितना हुआ 30, 20 बाय 10 2 है ना, तो ये कितना हो गया 100 हो गया, 10 टू बेस पावर 2 कितना हुआ 100 हो गया ना, तो यहां पे क्या आ गया, यहां पे 1 + 100 हो गया, और ये 4000 log 101 and that's a 26.63 kilobit per second की information जो भी को पास हो, तो linear to क्या है logarithmic scales है, fine, so this is the basic of calculate calculate channel hurdle short से communication कितनी information पास हो, fine, next. So copper cable and the coaxial cable, optical fiber, and carrier frequency also 10 से divide करने के तो ये bandwidth होगा. 10 से इसको divide करें, इसे इसको divide करें तो number 90 terahertz. So 10 से divide करते हैं तो is 10 megahertz. मतलब carrier frequency of bandwidth. Carrier frequency divided by 10 is equal to the bandwidth. Or two way वॉइस चैनल, तो इतने चैनल्स आप देखिए 93 लाख से ज्यादा चैनल्स और वीडियोस 90,000 चैनल जो हम अचीव कर सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन से, कोर कोएक्सियल से 3000 एंड दिस 2000 का मतलब ये है कि 2000 पीपल एक साथ आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं कन्वेंशनल कॉपर वायर, बट इन केस ऑप्टिकल फाइबर मिलियंस ऑफ पीपल्स Simultaneously आप इसमें क्या कर सकते हैं कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये पावर है ऑप्टिकल फाइबर, तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल एंड दिस इज द बेसिक डेवलपमेंट ऑफ द फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन फ्रॉम 1930 टू टुडे टू अचीव टेराबिट पर सेकंड ऑफ दैट ऑफ ऑल ऑप्टिकल नेटवर्क. Second generation, 93 Bell Lab has sent 10 billion bits per second to the 28,000 kilometer. So, यहाँ से लेके बच्चों 93 से लेके 2000 से अच्छे तक ये हमारा development. So, this is the Nobel Prize winner 2009 Charles K. Kao, Stanford Telecommunication को Nobel Prize मिला है optical fiber communication. Fine. Next. So this is the basic information I want to share now. I would like to welcome Vaishwani ji to contribute the speaker. Now I would like to welcome Uday and Ashok to continue the conversation.